हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। जून मई के कंप्लीट करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम देखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया। के फोन, के मतलब केरल, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया केरल में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केरल ने अभी खुद का इंटरनेट शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है। फतेह मिसाइल का अनावरण किया है ईरान ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और हाल ही में ईरान ने खैबर मिसाइल का भी अनावरण किया था, वो भी ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों, हाइपरसोनिक नाम क्यों दिया, क्योंकि इसकी स्पीड है जो कि ध्वनि की गति की तुलना में 5 गुना अधिक होती है। और भारत के पास क्या हाइपरसोनिक मिसाइल है, भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा ककोवका बांध कहां पर स्थित है। ये स्थित है यूक्रेन में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस बांध पर एक विस्फोट हुआ था और ये कहां पर स्थित है, यहां पर एक निप्पर नदी पर स्थित है और यूक्रेन में स्थान खेरसोन स्थान पर ये बांध बना हुआ है। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया, ऑपरेशन गंगा। चेर्नोबिल त्रासदी भी कहाँ पर हुई थी, यूक्रेन के अंदर। ये यूक्रेन से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस थे, इनको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ECA इंटरनेशनल की कोस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान फर्स्ट रैंक है वो है न्यूयॉर्क। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क कौन सी नदी पर स्थित है, हडसन नदी पर। और सेकंड पर है हांगकांग और थर्ड पर है जिनेवा। जिनेवा में किस किस का मुख्यालय है, WHO का, WTO का, ILO का, ये भी हमें याद रखना है। न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजधानी है बर्लिन। और नाटो का नाम आया तो नाटो के बारे में देखते हैं। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 के अंदर और हाल ही में नाटो का 31वां मेंबर बना है फिनलैंड है, जो कि नाटो का 31वां मेंबर बना है और इसका हेडक्वार्टर है जो ब्रुसेल्स में स्थित है। और इटली की राजधानी क्या है, रोम। यहाँ पर FAO का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया। 1 जून, 5 जून, 8 जून या 10 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस बार इसकी थीम क्या थी, प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। ये पहली बार कब मनाया गया, 2009 के अंदर पहली बार मनाया गया। और महासागर की बात आई तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। सेकंड पर अंटार्कटिका और थर्ड पर आता है हिंद महासागर। और जून में कुछ जो इम्पोर्टेंट डे थे उन पर भी डिस्कस कर देते हैं। 1 जून को कौन सा दिवस था, विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और 8 जून को आ गया विश्व महासागर दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 21 जून को
योग दिवस और 23 जून को ओलंपिक दिवस। ये थे जून के इम्पोर्टेंट दिवस। अगला प्रश्न है, किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसेन क्रूप मिशन सिस्टम ने पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया? ये समझौता किया जर्मनी देश ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारत के पास हाल ही में 16 पनडुब्बियाँ हैं और जो लंबे समय तक पानी में रह सकती है 6 पनडुब्बियाँ, उनके नाम है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी, जगदीश बाकन, शिवशंकरी, पूर्णिमा देवी वर्मन। ये पुरस्कार मिला है जगदीश बाकन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ज्ञान चतुर्वेदी, इनको व्यास सम्मान मिला है पागलखाना के लिए। और शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान। पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जिनकी हाल ही में 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई, इनका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मेघालय। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक परिवहन ने महिलाओं के मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना का प्रारंभ कहाँ पर किया, किस राज्य में किया? ये किया कर्नाटक राज्य में। इसका सी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, 8वीं महिला जूनियर एशिया कप हॉकी एशिया कप 2023 विजेता टीम कौन सी है? ये भारत ने जीता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी करंट का सवाल है तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध है लक्षद्वीप से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंच ओपन ये कौन से कोर्ट पर होता है? क्ले कोर्ट पर होता है। और स्टार्ट कब से हुआ? 1891 से स्टार्ट हुआ ये। इसमें मेल में जीता नोवाक जोकोविच ने और फीमेल में जीता इगा स्वेटेक ने। ये कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। और नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है मेल में और फ्रेंच ओपन भी जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में किसने जीता? आर्या सबलेंका ने। वो कहाँ के रहने वाली है? बेलारूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया गया? रज उत्सव ये कहाँ पर होता है? ओडिशा के अंदर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नुआखाई ये भी ओडिशा में, थानु जात्रा, रज पर, ये सभी त्यौहार है जो कि ओडिशा में मनाए जाते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शनि के किस चंद्रमा पर फॉस्फोरस की खोज हुई? फॉस्फोरस की खोज हुई एनसेलाइडस। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और चंद्रमा के अंदर जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन। ये 6 तत्व होते हैं। और एस्टेरॉयड बैंड क्या होता है?
मंगल और बृहस्पति के बीच में बनता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बैंड। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कार्टू का विकास किया? ये क्या है? आईआईटी मद्रास ने। इसका ए ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कार्टू का विकास। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? ये शहर है बेंगलुरु। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक राज्य की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। ए ऑप्शन करेक्ट है। और सेकेंड रैंक है जो कि है ब्राज़ील की, ये सेकेंड पर है। अगला प्रश्न है, फीफा U20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम किस देश की है? फीफा U20 इसकी जो उपविजेता टीम है वो है इटली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विजेता कौन रहा था? उगवे। और फीफा U20 अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। और इसी में गोल्डन बॉल और प्लस बूट का अवार्ड किसको मिला? सेसोत, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले। उपविजेता टीम फीफा U20 की इटली। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर ओडिशा में। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के 6 खेल खेले गए थे, खो खो, कबड्डी, रग्बी, फुटबॉल, एथलीट। अगला प्रश्न है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और ग्रीन सिटी अवार्ड मिला हैदराबाद को, और वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड वो मिला मुंबई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च एसडब्ल्यूसी श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? तीसरा जहाज है अंजदीप। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आईएनएस अंजदीप का निर्माण गॉर्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया गया। और फर्स्ट पर है आईएनएस अर्नाला, सेकेंड पर आईएनएस एंड्रास, और थर्ड है जो कि अभी ये देखा हमने आईएनएस अंजदीप। और ये फोर्थ ऑप्शन में हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र है, जो कि एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया? दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है उत्तराखंड में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह थामी। और हम इसी प्रकार से जो ऐप और कौन कौन से लॉन्च हुए और जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। प्रहरी ऐप है जो कि बीएसएफ का
ऐप है BSF ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सरधवा। एक है जलदूत ऐप, ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। और स्केल ऐप, स्केल में जो SCALE, इस एल का मतलब है लेदर, मतलब चमड़ा, चमड़ा से संबंधित, चमड़ा खादी से संबंधित ये ऐप है। ई कुंभ पोर्टल है जो कि द्रौपदी मुर्मू हमारे यहाँ के राष्ट्रपति ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? चौथे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है मध्य प्रदेश राज्य को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिकों के लिए अरुणा पोल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? अरुणा पोल, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में अरुणा पोल ऐप लॉन्च किया गया। इसमें अरुण से अरुणाचल प्रदेश और जो पोल है उसका अर्थ है पुलिस से संबंधित। और अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू। इसका सी ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, USA, जिसकी कीमत है $3.5 बिलियन। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है। ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक आनुवांशिक रोग है और इस बार की थीम है शाइन द लाइट ऑन अ सिकल सेल। ये भी हमें याद रखने हैं, सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून, ई ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 21 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कितने साल हो गए? मतलब कि पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ था 2015 में पहली बार मनाया गया था, तो अभी 9 साल हैं जो कि पूरे हो गए, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 2023 का जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोग्राम हुआ था, नेशनल प्रोग्राम, ये जबलपुर में हुआ था। और जो 21 जून ये डेट है, इस दिन को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, और दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इन दो डेट को दिन और रात बराबर होते हैं, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। ये भी हमें ध्यान में रखना है, 21 जून डेट आई तो उस हिसाब से वो भी याद आ गया। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने किस देश के 17वां फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ए ऑप्शन। और 17वां से हम याद रख सकते हैं, एस से स्पेस एक्स और लास्ट IA से इंडोनेशिया। 17वां फर्स्ट संचार उपग्रह लॉन्च किया इंडोनेशिया का। स्पेस एक्स USA की कंपनी है, एलोन मस्क की। और इंडोनेशिया में कौन सी ज्वालामुखी है? सिनाबुंग। और इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन से अभ्यास होते हैं? गरुड़ शक्ति, समुंदर शक्ति। ये भी हमें ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया से रिलेटिव क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। और अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन ये हुआ ओडिशा राज्य में। इसका सी ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। इस रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, एक भगवान जगन्नाथ का, दूसरा भाई बलवंत का और तीसरा बहन सुभद्रा का। ये रथ हैं जो कि नारियल की लकड़ी से बने होते हैं।
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ओडिशा। अगला प्रश्न है, G20 पर्यटन कार्यालय समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? G20 पर्यटन समूह की अंतिम बैठक का आयोजन गोवा में हुआ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस बार G20 का होस्ट था इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला ये बिहार में रखी गई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं जो मंदिरों पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। अंकोरवाट का मंदिर, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर? कंबोडिया में। और कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि ओडिशा में, ये गंगवंश ने बनवाया था, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर केरल में है। कामाख्या माता का मंदिर ये असम में है। ये कुछ थे महत्वपूर्ण जो मंदिर से रिलेटिव क्वेश्चंस थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत का स्किन बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? स्किन बैंक ये नई दिल्ली में ओपन हुआ है अभी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी को किस देश के राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? ये है अवार्ड मिश्र देश का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और सूरीनाम, सूरीनाम अवार्ड है जो कि ये मिला था अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और जो पलाऊ का, फिजी का और मिश्र का, पापुआनाम का, ये सभी सर्वोच्च सम्मान है जो कि हमारे पीएम मोदी को मिले हैं अभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वितिस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और वितिस्ता ये वेदों का नाम है, झेलम नदी का, झेलम नदी का नाम है वेदों में वितिस्ता। और रावी नदी का नाम था परुषणी और छिनाब नदी का नाम था अस्कनी। ये गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है वितिस्ता सांस्कृतिक महोत्सव। ये थे कंप्लीट जून माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक यू।